ये 1639 का सीपीयू रहा और ये इंजेक्टर आईसी है 30520। आज इन दोनों से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये ECM है 1639 वाला, जिसका यूज़ किया गया है गेट्स में किया जाता है और वरना ओल्ड वरना में किया जाता है, 400 410 वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इसके आज हम आपको वोल्टेज दिखा देंगे, गेट के वोल्टेज क्या है और इसके ड्रेन के वोल्टेज क्या है। ठीक है, ये पहले हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद इस ECM को क्रैंक का क्रैंक शॉफ्ट सेंसर, कैम शॉफ्ट सेंसर और रेल प्रेशर सेंसर का सिग्नल देंगे इसको, और उसके बाद देखेंगे कि गेट पे क्या बोल्ट बनना है और ड्रेन पे बोल्ट क्या बनना है। तो पहले तो विद आउट सेंसर सिग्नल्स के हम इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर एरिया DC मोड की रेंज पे सेट कर लिया है और एक प्रॉप को हमने ग्राउंड पे लगा दी है। ठीक है, एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा दी है ये। ठीक है, यहाँ पर। और अब ये देखा कि गेट पे क्या है, तो देखिए गेट पे बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहा है इस समय, 0 वोल्ट, मतलब कोई भी पल्स नहीं आ रही इस पर, राइट। चारों के गेट्स पर कोई पल्स नहीं आएगी, सप्लाई दे रखी है इसको, सप्लाई दे रखी है। आप देख लीजिए कि इस समय 48 वोल्ट बोर्ड के अंदर मौजूद है, 48 वोल्ट मौजूद है बोर्ड में इस समय, राइट। लेकिन गेट पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब जगह चारों मॉसफेट पर, चारों इंजेक्टर के जो मॉसफेट हैं, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, जीरो। वो जीरो यूं है कि जब तक CPU को कैम सॉफ्ट सेंसर, क्रैंक सॉफ्ट सेंसर और रेल प्रेशर सेंसर का सिग्नल रिसीव नहीं हो जाता, तब तक CPU इंजेक्टर IC को ये इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आप इंजेक्टर सेक्शन को पल्स प्रोवाइड कराएं। जब इंजेक्टर IC को CPU ही कुछ नहीं देगा, तो इंजेक्टर IC इन मॉसफेटों को भी कुछ नहीं देने वाली। तो इसलिए यहाँ पर सब जगह जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, राइट। ड्रेन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, मसलन इसको कैम शॉफ्ट सेंसर, क्रैंक सॉफ्ट सेंसर का सिग्नल और रेल प्रेशर सेंसर का सिग्नल देते हैं इसको बाया सेम्यूलेटर के ज़रिए से। मैंने इसको सिग्नल दिया और अब देखिए आप गेट पर इसके पल्स आ गई, ये अप डाउन होती हुई पल्स है। अगर आप CRO से देखेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से अप डाउन होती हुई नज़र आएगी, और ये चारों मॉसफेटों के गेट पर रिसीव हो रही है। ठीक है, अगर हम ड्रेन के वोल्टेज देखेंगे जो डायरेक्ट इंजेक्टर पर जाके मिलते हैं, तो ये लगभग 15-16 वोल्ट हो जाएंगे, चारों के सेम आएंगे। अगर एक का भी डिफरेंट वोल्ट होगा तो वो इंजेक्टर सही से वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चारों के सेम होना चाहिए। इस समय इसको पल्स रिसीव हो रही है और इंजेक्टर इस समय फायर करने के मोड में है, समय इंजेक्टर फायर कर रहे हैं, तब ये बोल्ट हमें रिसीव हो रहे हैं। तो बात ये थी कि जब तक क्रैंक कैम सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर का CPU को सिग्नल रिसीव नहीं होगा, CPU इंजेक्टर IC को प्रोवाइड नहीं करेगा और इंजेक्टर IC जो है इन मॉसफेटों को नहीं देगा, राइट। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बताना थी, उम्मीद है ये बात आपको पसंद आई होगी। इस तरह के बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हमारे कोर्स में शामिल हैं, जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो गए, न्यू बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है,